हेलो गाइस, वेलकम टू अवर माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यखनी की रेसिपी। ये देखिए, हमने 500 ग्राम मटन का गोश्त लिया है, इसे हमने साफ करके धो लिया है। मसाले तैयार किए हैं, जीरा, काली मिर्च, 6 छोटी इलायची, 6-7 लौंग, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च, लकड़ी के 2 टुकड़े, मीडियम साइज के प्याज, अदरक का टुकड़ा, 1 लहसुन, 3-4 तेज पत्ते और पत्थर वाला नमक। अब हम गोश्त को सबसे पहले कुकर में डालेंगे। देखिए, हमने गोश्त को कुकर में डाल दिया। अब ये खड़े मसाले डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम तेल डालेंगे। देखिए, एक बड़ा चम्मच हमने तेल डाल दिया। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। देखिए, ये वाला बड़ा वाला कप हमने 2 पानी डाल दिए हैं। अब इसे मिला के इस तरह से रख देंगे। कुकर में ढक्कन लगा के रख दे रहे हैं। 4-5 सीटी लगाएंगे, मेरी यखनी बनकर तैयार हो जाएगी। ढक्कन लगा कर हमने रख दिया है। 5-6 सीटी लगाएंगे इसमें। गाइस, देखिए मेरी यखनी बनकर तैयार हो गई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, यखनी में से। अब इसे हम बाउल में निकाल ले रहे हैं। देखिए, मेरी यखनी तैयार है। अब हम देख ले रहे हैं कि मेरी यखनी गली कि नहीं गली। देखिए, अब हम देख रहे हैं मेरी यखनी गली। देखिए, घोस मेरा गल गया है। 2-3 बोटी हम चेक कर ले रहे हैं जिससे पता चल जाए। गाइस, देखिए मेरी यखनी बनकर तैयार हो गई। ये बहुत ही आसान है यखनी बनाना। आप लोग अपने घर पर भी यखनी बनाकर बिरयानी या पुलाव बना सकते हैं इसका। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट द्वारा बताइए आप लोगों को मेरी यखनी की रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो वो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और जो भी कोई मेरे चैनल पर नया आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।